हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मोबाइल से अपनी कुंडली कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, मंगल दोष है या नहीं, और अगर आप शादी करने वाले हैं तो आप अपनी कुंडली भी मिलान इससे कर सकते हैं, और साढ़े सती आपकी कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, सब आप इतने फीचर आप इसे एक ऐप में देख सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरा ज्योतिषी के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही हर रोज़ वीडियो लेकर आता हूँ जिससे आप ज्योतिष सीख सकते हैं, जहाँ अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए अस्ट्रो सेग, अस्ट्रो सेग कुंडली, और इसे सर्च कर दिए। ये दोस्तों देख रहे हैं जो तो सबसे पहले खुली हुई लाल रंग की, इसे ओपन कीजिए। दोस्तों मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है इसलिए अपडेट मांग रहे हैं, आप इसे जब डाउनलोड कर लें तो इसे ओपन कीजिए। तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप ये कुंडली पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ टाइम सब भरें और अपना नाम भरें। हम कोई भी अभी आईडीज़ नाम भर देते हैं, जैसे मैंने भर दिया गुरजंट, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सही सही जो भी है अपना भरें, और टाइम भरें जो भी आपका टाइम है, रेलवे कृपया टाइम यूज़ कीजिए, और यहाँ पे बर्थ प्लेस भरें जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। मान लो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप सर्च करके, जैसे मान लो मैंने भर दिया चंडीगढ़, चंडीगढ़। दोस्तों जो भी है अपना अपना कृपया सही ढंग से भरें, और इसके बाद दोस्तों अगर आप रति हैं रति भी क्लिक कीजिए, पुरुष हैं पुरुष पे क्लिक कीजिए, और अगर कुंडली सेव करना चाहते हैं तो यहाँ सुरक्षित पे क्लिक कीजिए, और ये जो लाल रंग का दिख रहा है इसके बाद अब कुंडली दिखाएं पर क्लिक कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो लग्न कुंडली हमारी खुल चुकी है, सबसे मेन कुंडली यही होती है लग्न कुंडली। अब जैसे कि ये लग्न में देख सकते हैं चंद्रमा बैठा हुए है, ये मेन कुंडली होती है, और इसके बाद दोस्तों आप नवमांश कुंडली भी देख सकते हैं, इसमें चंद्र कुंडली भी देख सकते हैं, चलित ग्रह स्थिति, ग्रह ग्रह स्थिति में दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूर्य आपका किस राशि में बैठा है, कितने अंश का बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है, और ग्रह स्थिति, और दोस्तों जो भी कुंडली बनाने के लिए चाहिए होता है सब इस फीचर इसमें है। और जैसे मैत्री आप जब इसे ओपन करेंगे तो आप देख लेना दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम नहीं, अभी हम बैक आते हैं। इसके बाद बैक आते हैं, बैक आने के बाद दोस्तों आप अभी कुंडली मिलान, अगर आप शादी करने वाले हैं तो कैसे मिलान कर सकते हैं, यहाँ पे लड़के का डेट ऑफ बर्थ भरें और यहाँ पे लड़की का भरने के बाद दोस्तों मिलान दिखाएं पे क्लिक कीजिए, और जब सर्च होगा तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने गुण मिल रहे हैं कितने नहीं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फलादेश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सब फीचर हैं दोस्तों। जब हमने अपनी कुंडली सेव कर रखी है इसलिए हम दोस्तों इसे ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे पूर्ण जीवन भविष्य फल लिखा हुआ है, ये जो हमारा जीवन का चरित्र है बता रहा है, इसमें हम चरित्र क्या होगा, सौभाग्य, जीवन शैली हमारी क्या होगी, रोजगार, व्यवसाय और स्वास्थ्य, रुचि, ये सारा हमारे बारे में बता रखा है दोस्तों। इसके बाद आप मासिक भविष्य फल पर क्लिक कीजिए, जो हमारा मंथ का भविष्य फल है वो बता रखा है इसमें, और दैनिक भविष्य फल जो हर रोज का होता है, मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है या नहीं ये भी इसमें लिखा हुआ है, और शनि साढ़े सती अगर आपकी कब शुरू होगी कब खत्म होगी ये भी दोस्तों
इस ऐप में बताया हुआ है। जैसे ये देखो, और डे अभी इसमें कब शुरू होगी आपकी, ये भी दोस्तों लिखा हुआ है इसमें। और दोस्तों अब नेक्स्ट काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, ये भी दोस्तों आप जान सकते हैं। लाल किताब के शन जैसे कि पितृ शन है या नहीं, ये सब लिखे हुए हैं। मातृ शन है या नहीं, और लाल किताब टेवा, लाल किताब के उताए दोस्तों, जैसे कि आपका मान लो राहु किस घर में बैठा है, ये जैसे आपका सूर्य मान लो चौथे घर में बैठा है, तो ये पूरा विश्व लाल किताब के अनुसार बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं, और उसके उपाय भी बताए हुए हैं दोस्तों। लग्न विषफल, ग्रह विचार दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रह विचार आप अपना फलादेश कर सकते हैं, आपका कोई भी ग्रह किस घर में बैठा है, तो ये बहुत सही तरह से इन्होंने बता रखा है सभी ग्रह के बारे में। चंद विचार, मंगल कौन से घर में बैठा है उसका बता रखा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रह विचार। और रत्न रिपोर्ट जान सकते हैं, रत्न कौन सा धारे हैं आप, धारण करें आप। और दोस्तों आज का गोचर फल में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका सूर्य किस राशि में बैठे तो क्या फल देगा आपको दोस्तों। और इसके बाद महादशा का फल, जिसकी दशा चलेगी उसका क्या फल होगा, कब तक चलेगी। और नक्षत्र रिपोर्ट, नक्षत्र के बारे में भी दोस्तों इसमें विस्तार से बता रखा है नक्षत्र। और भविष्य फल आपका, पूर्ण भविष्य फल इसमें बताया हुआ है। और नामकरण सुझाव, चंद्र राशि दोस्तों, चंद्र राशि दोस्तों इसमें बहुत फीचर हैं, हम बैक आते हैं अभी। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इसमें रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। बहुत देखो ये तो हमने बता दिया पहले, पंचांग पे हो रहा देख सकते हैं आप, पंचांग देख सकते हैं दोस्तों। और अस्ट्रो शॉप पे आप अगर रत्न खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, यंत्र रुद्राक्ष कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं अस्ट्रो शॉप पे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।